जैसे तुम्हारे डीएलसी पैक्स होते हैं ना जी ए में यानी ऑनलाइन 1.68 होता है 1.67 होता है 65, ऐसे होता है ना वैसे ही ये चलता है तो बेसिकली मेरा जो है मैं 3028 वाले वर्जन में डालूंगा जो मैं तुम लोगों को हमेशा अपनी वेबसाइट का रेकमेंड करता हूं कि 3028 वर्जन पर अपग्रेड कर लो क्योंकि उस पर सारे मॉड्स चलते हैं मैंने अपनी वेबसाइट पर वो डाला हुआ है तुम लोग उसको देखकर डाल सकते हो कि कैसे तुम लोगों ने अपग्रेड करना है थ्री वाले लेटेस्ट वाले वर्जन में थ्री में दोस्तों अगर तुम लोगों ने अपग्रेड करना है अपना पुराने वाला वर्जन तो तुम लोगों ने क्या करना है तुम लोगों ने ये जो नीचे तुम लोगों को नजर आ रहा है इंस्टाग्राम के मेरे प्रोफाइल पर जाना है डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड लिंक को क्लिक करना है और मेरी वेबसाइट खुल जाएगी उस पर बाकायदा वीडियो होगी कि तुम लोगों ने थ्री वर्जन पर अपग्रेड या डाउनग्रेड या अलग से थ्री वर्जन कैसे डालना है तो मेरी वेबसाइट पर तुम लोग वीडियो देख लेना और फिर तुम लोग थ्री वर्जन डाल पाओगे और हर तरह की मॉडिंग हो जाएगी मैं हमेशा मॉडिंग उस पर ही करता हूँ अब अच्छा दोस्तों तुम लोगों ने क्या करना है तुम लोगों ने इसके डायरेक्ट डाउनलोड बटन पर क्लिक नहीं करना तुम लोगों ने इसके बारी बारी सारे डाउनलोड्स टेस्ट करने हैं ये जो तुम लोगों को डाउनलोड बटन नज़र आ रहे हैं ना ये जो मैं जिस पर माउस का कर्स लेकर आ रहा हूँ ये वाले तो बेसिकली ये मैं अलग अलग वर्जनस को डाउनलोड ऐसे करने का इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि सबके डीएलसी अलग अलग होते हैं अगर तुम्हारा स्टीम ऐप एक रॉक स्टारा है तो हो सकता है तुम्हारा बिल्कुल लेटेस्ट वाला ये दो दिन पहले वाला ये वाला चल जाए तो तुम लोगों ने इसके बटन पर क्लिक करना है और इसको तुम लोगों ने डाउनलोड कर लेना स्टीम ऐप एक रॉक के लिए अगर दोस्तों तुम्हारा ये नहीं चलता तो तुम लोगों ने इससे प्रीवियस वाले वर्जन को डाउनलोड करके चेक करना

अब दोस्तों अगर तुम लोग पहली बार मॉडिंग कर रहे हो तो तुम लोगों ने ये वाले स्टेप्स फॉलो करने वरना अगर पहले से मॉडिंग करते हुए आ रहे हो तो स्क्रिप्ट स्क्रिप स्क्रिप्ट स्क्रिप्टी डॉट नेट नेटिव यू आई लेम यू आई ये सारे के सारे पहले से ही तुम्हारे पास मौजूद होंगे तो ये वापस वापस डालने की जरूरत नहीं होगी चाहो तो डाल लो लेटेस्ट वर्जन पर आ जाएंगे तुम्हारा ही फायदा होगा अगर मॉड्स नहीं चलनी तो चलने लग जाएंगी लेकिन बेसिकली अगर पहले से मॉडिंग करते हुए आ रहे हो और सारे मॉड्स सही चल रहे हैं तो तुम्हारा मसला नहीं आएगा ये डालने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर पहली बार मॉडिंग कर रहे हो तो क्या करना है दोस्तों तुम लोगों ने मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक को क्लिक करना है जैसे दोस्तों तुम लोग सेकंड लिंक को क्लिक करोगे तुम्हारे साथ स्क्रिप्टी की वेबसाइट खुल जाएगी जैसे कि दोस्तों देख सकते हो मेरी स्क्रिप्ट टुकवी की वेबसाइट यहां पर नहीं चल रही तुम्हारी भी अगर कोई भी मसला आता है स्क्रिप्ट टुकवी की वेबसाइट नहीं चलती तो तुम लोगों ने क्या करना है तुम लोगों ने मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में थर्ड लिंक को क्लिक करना है और मेरी गूगल ड्राइव पर यह स्क्रिप्ट टुकवी का लेटेस्ट वर्जन खुल जाएगा स्क्रिप्ट टुकवी का लेटेस्ट वर्जन ही हमेशा डाला जाता है कोई वर्जन डिपेंड नहीं करता कि जी डी का डीएलसी पैक कौन सा है वन है वन है थ्री है टू है कोई फर्क नहीं पड़ता बस स्क्रिप्टी लेटेस्ट वाला होना चाहिए तो तुम लोगों की अगर ये सेकंड लिंक को क्लिक करके स्क्रिप टुकवी की वेबसाइट ऐसे कोई इशू देती है डाउनलोड के बटन पर तुम लोग क्लिक कर रहे हो तुम्हारा डाउनलोड वगैरह नहीं होता मसला आता है तो तुम लोगों ने मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में थर्ड लिंक को यहां पर क्लिक करना है और तुम लोगों ने ये मेरी गूगल ड्राइव से स्क्रिप्ट टुकवी के ये डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है और इसको तुम लोगों ने डाउनलोड कर लेना है लेटेस्ट स्क्रिप्ट टुकई मेरी गूगल ड्राइव से अच्छा दोस्तों अगर ये तुम वीडियो बहुत टाइम बाद देख रहे हो और स्क्रिप्ट टक्वी वर्जन 3095 से अपग्रेड हो चुका है तो मेरे चैनल पर जाना और स्क्रिप्ट वी की लेटेस्ट वाली वीडियो देख लेना मैं गूगल ड्राइव पर हमेशा जैसे ही स्क्रिप्ट टूक आता है लेटेस्ट वाला अपनी गूगल ड्राइव पर डाल देता हूं क्योंकि सी बात है स्क्रिप्टुक्वी की वेबसाइट के मसले आते रहते हैं इस वजह से मेरी गूगल ड्राइव पर हमेशा लेटेस्ट वाला मौजूद होगा तो तुम लोगों ने सिंपली मेरी वीडियो में जाकर स्क्रिप्टी लिखना है सर्च करना और स्क्रिप्टुक्वी का लेटेस्ट वाला वर्जन डाल लेना है मेरी गूगल ड्राइव से इसके बाद दोस्तों तुम लोगों ने मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में फोर्थ लिंक को क्लिक करना है चौथे लिंक को जैसे ही क्लिक करोगे तुम्हारे सामने स्क्रिप्ट वी डॉट नेट खुल जाएगा यहां पर तुम लोगों ने नीचे आना है थ्री पॉइंट सिक्स पॉइंट जीरो होगा ये इसका ये जो तुम लोगों को फाइल नजर आ रही है स्क्रिप्ट वी डॉट नेट डॉट जेप इस पर तुम लोगों ने एक बार क्लिक करना है और इसको भी तुम लोगों ने डाउनलोड कर लेना है स्क्रिप्टी डाउनलोड करने के बाद दोस्तों तुम लोगों ने मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में फिफ्थ लिंक को पांचवें लिंक को क्लिक करना है और तुम्हारे सामने लेमन यूआई खुल जाएगा तुम लोगों ने इसके इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है और यहां पर दूसरे पेज पर आकर डाउनलोड कर लेना है इसको फिर दोस्तों तुम लोगों ने मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सिक्स्थ लिंक को छठे लिंक को क्लिक करना है तुम्हारे सामने रिलीज नेटिव डॉट यू आई खुल जाएगा 1.9.1 इसके तुम लोगों ने ये जो तुम लोगों को नजर आ रहा है रिलीज डॉट जेप ब्लू कलर की जो फाइल नजर आ रही है इस पर तुम लोगों ने क्लिक करना है और इसको भी तुम लोगों ने डाउनलोड कर लेना है अब दोस्तों मैं चाहता हूं मैं ओपन ऑल इंटीरियर्स भी इसके साथ ही डालूं तो तुम लोगों की मर्जी पर है अगर चाहो तो ओपन ऑल इंटीरियर्स डाल लेना अगर नहीं चाहते तो इनेबल ऑल इंटीरियर सिर्फ डाल लेना ये समझो कि तकरीबन 20-30 और इंटीरियर्स खुल जाएंगे ओपन ऑल इंटीरियर्स डालने से अगर तुम लोग ओपन ऑल इंटीरियर्स डालना तो तुम लोगों ने क्या करना है तुम लोगों ने मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सेवंथ लिंक लिंक को लिंक को सातवें क्लिक करना है और तुम्हारे सामने मॉड खुल जाएगी ओपन ऑल इंटीरियर्स की तुम लोगों ने इसके इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है और इसको भी तुम लोगों ने डाउनलोड कर लेना है अब यहां पर दोस्तों देख सकते हो एक तरफ मैंने अपना ये फोल्डर खोल लिया जिसमें मेरी सारी की सारी फाइल्स है जो मैंने अभी अभी डाली है और दूसरी तरफ मैंने अपनी जीटी की मेन गेम डायरेक्ट्री मेन गेम फोल्डर खोलना है बेसिकली दोस्तों मैंने क्या करना है मेरा ये रहा जी टीफ थ्री जीरो टू एट वर्जन वाला तो बेसिकली ये जो आइकन है डेस्कटॉप पर इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा और ओपन फाइल लोकेशन कर लूंगा मेरी ये जी टी फाइव की मेन गेम डायरेक्टरी खुल जाएगी इसको मैं एक साइड पर कर देता हूं अब दोस्तों अगर तुम्हारे स्टीम एप एक रॉक स्टार वाला है तो तुम लोगों ने उन पर जाना है स्टीम एप एक रॉक स्टार पर और जी टी एफ आई पर राइट क्लिक करना है मैनेज होगा या फिर ओपन फाइल लोकेशन होगा या ब्राउज लोकल फाइल्स वगैरह होगा बस तुम लोगों ने जीटी फाइव की मेन गेम डायरेक्टरी ऐसे खोल लेनी है अब दोस्तों अगर तुम लोग पहले से मॉडिंग करते हुए आ रहे हो तो तुम्हारा यहां पर स्क्रिप्ट का फोल्डर पहले से ही मौजूद होगा अगर तुम लोग पहली बार मॉडिंग कर रहे हो तो एक स्क्रिप्ट का फोल्डर बना लेना बहुत सिंपल है यहाँ पर राइट क्लिक करोगे इस GTA टी की मेन गेम डायरेक्टरी में न्यू पर क्लिक करोगे और यहां पर एक फोल्डर बना लोगे और फोल्डर का नाम तुम लोगों ने रख देना स्क्रिप्ट एस सी आर आई पी टी एस स्क्रिप्ट नाम रख देना उसका फिर तुम लोगों ने स्क्रिप्ट के फोल्डर में यहाँ पर जाना है मेरी यहाँ पर पहले से फाइल्स डली हुई हैं तुम्हारी कोई भी यहाँ पर फाइल नहीं होगी क्योंकि जैसी बात है पहली बार मॉडिंग कर रहे हो अगर पहली बार मॉडिंग नहीं कर रहे तो स्क्रिप्ट के फोल्डर में बहुत सारी फाइल्स होंगी अब दोस्तों सबसे पहले मैंने यहां पर ये इनेबल ऑल इंटीरियर्स मॉड वाली जो फाइल है इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा और इसके इस इनेबल ऑल इंटीरियर मॉड्स वाले फोल्डर में चला जाऊंगा फिर मैं जाऊंगा स्क्रिप्ट के फोल्डर में यहां पर ये जो सारी फाइल्स हैं इन सारी फाइल्स को मैं सेलेक्ट कर लूंगा लेमन यू डाउनलोड लिंक को मैं रहने दूंगा और ये सारी फाइल्स को मैं क्लिक करके कर ड्रैग एंड ड्रॉप यानी उठाकर क्लिक करके कर जाकर छोड़ दूंगा जी की मेन गेम डायरेक्टरी में जो कि स्क्रिप्ट के फोल्डर में हम आए थे वहां पर यहां पर मैंने स्क्रिप्ट के फोल्डर में इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया यानी ले जाकर छोड़ दिया क्लिक तो मेरा यहां पर यह रिप्लेस का साइन दिखा रहा है पहले से ही मौजूद है मैं इसको फिर भी यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा फाइल्स को, ताकि तुम लोगों को दिखा दूं। यहाँ पर ये मेरी सारी फाइल्स रिप्लेस हो चुकी हैं। अब है? दूर करोगेगाएल तो नहीं, भी नहीं। यहाँ पर जो Enable all configuration है इस पर तुम लोग डबल क्लिक करोगे पर खुल जाएगा अगर नोटपैड पर नहीं खुलता तो तुम लोगों ने इस पर यहां पर राइट क्लिक करना है और यहां पर इसको ओपन विद करना ये रहा ओपन विद और इसको नोट पैड कर देना यहां पर नोट यह पैड पर खुल चुका है बेसिकली अब तुम लोगों ने यहां पर क्या करना है इनेबल ब्लिप्स तुम लोगों को नजर आएगा इसको फॉल्स से तुम लोगों ने हटा कर, कर देना है टी आर यू ट्रू मैंने इसको ट्रू कर दिया और यहां पर मैंने इसको कट कर देना है तो यहां पर यह सेव का ऑप्शन दिखाएगा मैं इसको सेव कर दूंगा तो मेरा यहां पर यह सेव हो गया अब ब्लिप्स शो करने लग जाएगा GTA 5 में अब यहां से दोस्तों ये जो इनेबल ऑल इंटीरियर्स वाली मॉड मैंने खोली थी इससे मैं वापस चला जाऊंगा अब मैंने खोलना है यहां पर यह जो रिलीज़ की फाइल मुझे नज़र आ रही है मैं रिलीज पर डबल क्लिक करूंगा यहां पर यह नेटिव यू की दो फाइल्स या सिंगल फाइल्स होंगी जरूरी नहीं है दो फाइल हो अगर सिंगल फाइल भी होती है तो भी चलेगा कोई मसला नहीं आता मैं यहां से दो फाइल्स या सिंगल फाइल जो भी होंगी इनको क्लिक करके उठाकर ले जाकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा स्क्रिप्ट के फोल्डर में यहां पर मैं इसको रिप्लेस फाइल्स कर दूंगा तुम्हारा अगर पहले से होगा तो रिप्लेस का साइन दिखाएगा अगर पहले से नहीं होगा तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हो जाएगा यहां से मैं स्क्रिप्ट के फोल्डर से वापस जाता हूं और यहां पर भी नेटिव यूआई की दोनों फाइल या सिंगल फाइल को उठाकर मेन गेम डायरेक्टरी में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं कॉपी पेस्ट कर देता हूं ये भी मैं रिप्लेस कर देता हूं क्योंकि पहले से ही मौजूद है मैंने इसको भी रिप्लेस कर दिया यहां पर मेरा ये भी नेटिव यू की फाइल्स आ चुकी हैं दोबारा से दोस्तों अब मैं इसक्रिप्ट के फोल्डर में चला जाऊंगा जी टी की मेन गेम डायरेक्टरी के स्क्रिप्ट के फोल्डर में और यहां पर दोस्तों अब मैंने क्या करना है नेटिव यू वाली फाइल से मैंने यहां पर वापस चले जाना है अब मैंने खोलनी है लेमन यू आई जो लेमन यू वाली फाइल हमें नजर आ रही है इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा और यहां पर मैंने जाना है एस एच बी डी एन यानी स्क्रिप्ट टू वी डॉट नेट 3, इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा और ये जो सारी फाइल्स हैं इन तीनों की तीनों फाइल्स को मैं सेलेक्ट करके क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा जी डीफा की मेन गेम डायरेक्टरी के स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में जो अभी हमने नया बनाया है या तुम्हारा पहले से मौजूद है मैंने इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप किया यह भी मेरा रिप्लेस का साइन इसी वजह से दिखा रहा है क्योंकि पहले से है तुम्हारा हो सकता है रिप्लेस का साइन दिखाया तो रिप्लेस कर देना अगर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हो जाता है तो भी बहुत बेहतरीन है मैं इसको यहां पर रिप्लेस फाइल कर देता हूं और भी मेरा रिप्लेस हो चुका है अब यहां पर दोस्तों मैं लेमन यूआई से वापस चला जाता हूं और स्क्रिप्ट के फोल्डर से भी वापस चला जाता हूं अब दोस्तों मैंने क्या करना है यहां पर स्क्रिप्टुक वी की फाइल्स खोलनी है जो तुम लोगों को नजर आ रहा है स्क्रिप्टुक वी वर्जन वन इस पर तुम लोग डबल क्लिक करोगे और यहां पर जाओगे बिन के फोल्डर में यहां पर डिनपुट एट को सेलेक्ट करोगे और स्क्रिप्टुक वी डॉट डी को सेलेक्ट करोगे नेटिव ट्रेनर को रहने देना जरूरत नहीं है इन दोनों को सेलेक्ट करके तुम लोग क्लिक करके ड्रैगन ड्रॉप कर दोगे जी डी की मेन गेम डायरेक्ट्री में एम स्पेस पर करना किसी भी आइकन पर मत करना किसी भी फोल्डर में मत करना यहां पर मैं खाली जगह पर हर फाइल को हमेशा खाली जगह पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया करो मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और यहां पर मेरा ये रिप्लेस का साइन दिखा रहा है मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं स्क्रिप्ट तो भी मेरा लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा अगर पहले से है तो डालने की जरूरत नहीं है अगर चाहो तो डाल लो रिप्लेस कर लो तुम्हारा ही आ, ये समझो कि लेटेस्ट वर्जन पर आ जाएगा फायदा ही होना है अब यहां से दोस्तों स्क्रिप्ट टू की फाइल से मैं वापस जाऊंगा मैं खोलूंगा स्क्रिप्ट वी डॉट नेट की फाइल इसको मैं डबल क्लिक करूंगा और यहां पर ये सारी फाइल्स को मैं सेलेक्ट कर लूंगा सिर्फ रीडमी और लाइसेंस रहने दूंगा इनकी जरूरत नहीं है और इसको भी क्लिक करके ड्रैगन ड्रॉप कर दूंगा जी डी की मेन गेम डायरेक्टरी में एम स्पेस पर यहां पर मैंने छोड़ दिया और इसको भी मैं रिप्लेस कर देता हूं या फिर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हो जाएगा जो तुम लोग चाहो कर दो रिप्लेस करना चाहो रिप्लेस कर लो अब यहां पर दोस्तों तुम लोगों को स्क्रिप्टी की ये ये कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग वाली फाइल नजर आएगी जैसी मैं इस पर लेकर आता हूँ ना तो तो right करना है और ओपन किया और रिलोड की यहां पर मैं कर देता हूं इंसर्ट इससे क्या होगा कि मुझे जीटी फाइव बार बार रिस्टार्ट करना नहीं पड़ेगा इसका एक बार इंसर्ट बटन की पर मैं सिर्फ दबाऊंगा और मेरा जीटी फाइव हो जाएगा तो यहां पर मैं लिख देता हूं इंसर्ट और इसको मैं यहाँ से कट करूंगा सेव का ऑप्शन देगा तो मैं इसको सेव कर दूंगा यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया अब मुझे जब भी GTA 5 रीलोड करना है कोई भी मॉड डालने के बाद तो मैं इंसर्ट का सिर्फ बटन दबाऊंगा और मेरा GTA 5 रीलोड हो जाएगा अच्छा दोस्तों ये सब करते वक्त तुम लोगों ने जी फाइव अपना लाजमी बंद रखना है क्योंकि अगर जी फाइव चलता रहेगा तो जी फाइव में मॉडिंग वगैरह नहीं हो पाएगी तो जी फाइव हमेशा बंद कर दिया करो और फिर ही मॉडिंग वगैरह किया करो यहाँ से दोस्तों में स्क्रिप्टवी डॉट नेट से भी वापस चला जाऊंगा अब मैंने फाइनली ओपन ऑल इंटीरियर्स भी इसमें डाल के चेक करना है अगर चाहते हो तो डाल लो तीस चालीस और तुम्हारे पास इंटीरियर्स खुल जाएंगे अगर नहीं चाहते तो यहाँ पर तुम्हारा इनेबल ऑल इंटीरियर्स डल जाएगा यहां पर दोस्तों मैं ओपन ऑल इंटीरियर्स को खोलूंगा और यहां पर ये जो दो फाइल्स हैं ओपन इंटीरियर्स डॉट आई एन आई और एएसआई इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा जीटीएफआईल की मेन गेम डायरेक्टरी में यहां पर मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहां पर फिर से मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा क्योंकि मेरा पहले से ही है अगर तुम्हारा पहले से नहीं होगा तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा और यहां पर तुम्हारा ओपन ऑल इंटीरियर की भी दोनों की दोनों फाइल्स आ जाएंगी अगर दोस्तों कोई भी इशू आता है अभी भी कोई भी इशू आता है कोई भी मसला आता है तो तुम लोगों को पता है तुम लोगों ने सिंपली कमेंट करना है और मैं कमेंट का हमेशा लाजमी जवाब देता हूं तुम लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी की पूरी कोशिश करूंगा मेरे चैनल को दोस्तों ये दिनूब को सब्सक्राइब करने का फायदा ही यह है कि एक तो तुम्हें हर कॉमेंट का जवाब मिल जाता है तो तुम्हारा प्रॉब्लम सोल्व होना ही होना है और ऐसी बहुत सारी वीडियोज भरी पड़ी है मेरे चैनल पर मॉडिंग से रिलेटेड जी से रिलेटेड गेमिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजों से रिलेटेड भरी पड़ी है मेरे चैनल पर सारी की सारी चीजें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो काफी ज्यादा फायदा

अब यहां पर मैंने स्केप दबाना है और मैप पर देख सकते हो कितने सारे ब्लिप्स आ चुके हैं ये सारी जगह इंटीरियर्स खुल चुके हैं बेसिकली दोस्तों ये आ गए हमारे पूरे मैप के अंदर ये जो व्हाइट वाइट तुम लोगों को बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं जैसे फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग है ये हो गई सारी की सारी ओपन ऑल इंटीरियर्स मॉड के सारे इंटीरियर्स और इसके अलावा ये जो कलरफुल तुम लोगों को नजर आ रहे हैं जितने भी कलर्स वाले हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो गया और इसके अलावा ये हो गया हमारा है लोम्बोक टावर और इसके अलावा ये हो गया ये मेरे ख्याल में कोई गैराज वगैरह होगा अरीना वॉर वी एरिया और यहाँ पर ये क्या है ये है बेसमेंट द क्रिमिनल एंटरप्राइज बेसमेंट तो इसमें जितने भी कलरफुल हैं ये इनेबल ऑल इंटीरियर्स वाले हैं और जितने भी वाइट वाले हैं ये ओपन ऑल इंटीरियर्स वाले हैं और यहाँ पर देख सकते हो दोनों डबल डबल भी बहुत जगहों पर नजर आएंगे इसका रीज़न ये है कि बेसिकली ओपन ऑल इंटीरियर में भी ये चीज़ मौजूद है और इनेबल ऑल इंटीरियर में भी ये चीज़ मौजूद है इस वजह से ये डबल डबल नज़र आ रही है अब दोस्तों इसमें तुम लोगों को एक सरप्राइज देता हूं मैं वो मैं एंड में देता हूं क्योंकि जर्सी सी बात है एंड में मजा आएगा इस चीज का अभी बेसिकली मैं तुम लोगों को यहां पर जाकर दिखाता हूं ये है अशरफ भाई का घर तुम लोगों ने वीडियो तो देखी होगी गाय फ्रॉम पाकिस्तान की इधर जाते हैं हम लोग ये वे पॉइंट लगाया और यहां पर मैं स्केप दबाता हूं एफ एट से मेन्यू ट्रेनर अपना खोलता हूं टेलीपोर्ट ऑप्शन पर जाता हूं और यहां पर टेलीपोर्ट हो जाता हूं वे पॉइंट पर यहां पर मैं वे पॉइंट पर टेलीपोर्ट हो गया और देख सकते हो ये अशरफ भाई के घर के पास हम लोग आ चुके हैं जो नया घर अशरफ भाई ने लिया था अब यहां पर हम लोग नीचे उतरेंगे अशरफ भाई की तो यहाँ पर पट्टियाँ वट्टियां लगी हुई होती है खून लगा हुआ होता है खिड़की पर लेकिन हमारी खिड़की बिल्कुल साफ है और पट्टियां वट्टियां भी नहीं लगी हुई हम लोग यहाँ से अंदर जाएंगे दरवाजा खोल के अंदर चले जाएंगे देख सकते हो अंदर आ गए एफ से मेन्यू जरा हटा और देख सकते हो कितना जबरदस्त लग रहा है पूरा इंटीरियर बेहतरीन है अच्छा अशरफ

देख सकते, पूरा पूरा तो को पूरा पूरा देख सकते हो ये हम लोग आ गए हैं कायो पेरिको आइलैंड भैया पूरा का पूरा आइलैंड इसमें मौजूद है तो बेसिकली तुम लोगों को जरूरत नहीं है तो दोस्तों सिंपल से स्टेप्स फॉलो कर, कर तुम लोग इनेबल ऑल इंटीरियर और ओपन ऑल इंटीरियर दोनों एक साथ डाल सकते हो अपने वर्जन का ट्राई करते रहना अगर तुम्हारा पहले से नहीं होता तो दूसरे से कर लेना दूसरे से नहीं होता तो तीसरे से कर लेना जो भी मैंने शुरू में